टू माई चैनल इंडियन ब्लॉग। सो गाइस कैसे आप लोग, होप आप लोग अच्छे होंगे सही सलामत होंगे। तो मौसम तो आपने बाहर देख ही लिया है, कड़क धूप हो रही है। सुबह के अभी बज रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, सुबह के अभी 10 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 10-5 मिनट बाकी, और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर, ऑलमोस्ट 28 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। 10 बज रहे हैं अभी और 28 डिग्री हो रहा है, तो सोच सकते हैं कि थोड़ी देर में क्या होगा। ये चल रहा है अक्टूबर और गर्मी अभी भी चालू है। सो बातें बहुत सारी करनी है, और उससे पहले मैं अपना रूम जो है देख रहे हो क्या हालत हो रही, चारों तरफ कचरा भरा हुआ है, तो रूम क्लीन करता हूँ। फिलहाल मैं अकेले रूम में, और खूब सारी बातें करनी है, उसके बाद करते हैं। थोड़ा सा मेरे को सेटअप भी चेंज करना है। फिलहाल ये विंडो है, आप देख रहे हैं, इसके बगल में मैंने अपना बेड लगाया है और दूसरा बेड वहाँ पर है, तो सॉरी बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। थोड़ा सा सेटअप चेंज करता हूँ और क्लीनिंग वगैरह करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको। ओके बने रहिए। चेंज करते रहता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश सा लगता है, नहीं तो अगर एक ही रूटीन से लेट हो, एक ही जगह पे बेड रखे हुए महीनों महीनों तक, हफ्तों हफ्तों तक, तो फिर अच्छा नहीं लगता, फ्रेश सा नहीं लगता। इसलिए मैं इंटीरियर जो है चेंज करते रहता हूँ, कभी इधर से उधर, कभी तो अभी फिलहाल मैंने बेड ऐसे में लगाए हैं और बीच में जो है बड़ा विंडो है। क्लीनिंग करना भी जरूरी होता है टाइम टाइम पे, ऑफ का दिन होता है जिस दिन मैं अपना क्लीन करता हूँ एवरी वीक। और अगर आप लोग भी हैं, अगर एकोमोडेशन में रहते हैं या अपने घर में रहते हैं, तो क्लीन करते रहा करिए, उससे अच्छा लगता है, अपने को एक तसल्ली होती है। सो फटाफट से मैं फ्रेश होता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। बस यूं गया और यूं आया, सो देखा कितनी फास्ट हुआ। फ्रेश हो चुका हूँ, रूम क्लीन हो चुका है, वॉशरूम क्लीन हो चुका है, सारा काम फिनिश। सो अभी मुझे बनाना है लंच, लंच टाइम हो चुका है। वैसे आप ये देख रहे होंगे, ये सिल्वर प्ले बटन आप देख रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं, मतलब क्रिएटिविटी देखिए मेरी आप। ये सिल्वर प्ले बटन मैंने खुद के लिए बनाया है कि यहाँ पर मेरा बेड है और इसको मैं निहारता रहूँगा जब तक मेरे 10K नहीं होते, जब तक मेरा सिल्वर प्ले बटन नहीं आता तब तक मैं लगा रहूँगा। सो देख रहे हैं, पैशन जुनून देख रहे हैं मेरे अंदर आप। ओके सो बात करते हैं सबसे पहले इंडिया की। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, लॉकडाउन में मैं वैकेशन गया था इंडिया और जस्ट अभी आया हूँ, मुझे 2-3 दिन हुए हैं और आज मुझे ऑफ मिल चुका है, तो आज मैंने सोचा फटाफट से आपके लिए व्लॉग बना दूँ। जैसे कि मैं आपको बोलते रहता हूँ व्लॉग आएंगे और रेगुलर आएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी, और उस पर भी बात की जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ कि इंडिया का जो सफ़र है मेरा, आपने इससे पहले 3-4 व्लॉग देख लिए होंगे, चिकलू के साथ मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, और ये पहली बार है कि चिकलू अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो पहली बार मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। इससे पहले जब मैं गया था पिछले साल, तो उस समय तो बहुत छोटी थी, तो उतनी मस्ती नहीं कर पाया था क्योंकि उस समय वो थोड़ा यू नो मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाती थी और बोल नहीं पाती थी ज़्यादा कुछ, बट अभी तो मतलब उछल कूद के मतलब। सो इंडिया की जर्नी जो है मेरी काफ़ी अच्छी रही, ऑलमोस्ट 2 महीने मैं रह के आया हूँ, और पहली बार ये मतलब मेरी लाइफ में या बहुतों की लाइफ में ऐसा हो रहा है, वो 6-6 महीने 8-8 महीने रह के आ रहे हैं, तो 2 महीने में रह के आया हूँ, ये पहली बार ही हो रहा है। सो बहुत ही अच्छा लगा, और मन तो नहीं किया बिल्कुल आने का दुबई, बट क्या करें, पैसे मोह माया खींच लाती है। तो जब मैं इंडिया से आया उस समय ऑलमोस्ट 95,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं, मैं अपनी दुबई की बात करता हूं, तो आप अगर आप दुबई आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आपको कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा इधर भी और उधर से आते वक्त उधर भी। तो मैंने ऋषिकेश में एम्स में अपना चेकअप कराया, और वहाँ का मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ क्या हुआ, कि मैंने वहाँ पे टेस्ट कराया। सो मेरा टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो अगले दिन आने वाला था, बट अगले दिन संडे पड़ गया, तो उन्होंने बोला कि उसके अगले दिन आ जाएगा, उसके अगले दिन मंडे आया था, तो उन्होंने बोला कि मंडे को आ जाएगा, हमने कहा ओके। सो जब मैं मंडे को गया तो उन्होंने क्या बोला, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे गार्ड वगैरह थे बाहर पे, और लाइनें लगी हुई थी, मतलब लोग ऐसे ही खड़े हो रखे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, कोई मतलब पुलिस वाला या कोई देखने वाला नहीं था कि कौन कितने पास खड़ा हो रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तो ठीक है, मैंने अपना रिपोर्ट लेने गया मैं मंडे को। सो जब मैंने रिपोर्ट के लिए बोला, मैंने कहा एक फॉर्म था, मैंने फॉर्म दिया उनको, मैंने कहा मेरा ये मेरा फॉर्म है, मेरी रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है।
उन्होंने भेजा, 5 मिनट के बाद मुझे बुलाया, बोला आपकी रिपोर्ट नहीं आई है, ये लीजिए आपका फॉर्म वापिस। मतलब मेरी तो फट के 4 हो गई, क्योंकि अगले दिन मेरी फ्लाइट थी और सुबह मेरे को जाना था, शाम की मेरी फ्लाइट थी, दिल्ली के लिए निकलना था मुझे। तो मैं डर गया, मैंने कहा अब क्या होगा भाई, अब तो लगता कैंसिल करना पड़ेगा दुबई का। उसके बाद हमने क्या किया, मैं और तानी थे एक साथ और हम वहाँ पे रुके रहे। उन्होंने बोला कि ऊपर जाइए जहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, जो लेबोरेटरी है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे देखिए कि आपकी रिपोर्ट आई कि नहीं आई, उनसे पूछिए। हमने कहा ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन था नहीं। मैं और तानी गए लेबोरेटरी में और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मिला, उसने बोला अंदर जाना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, अब आपकी रिपोर्ट अगले दिन आएगी, प्लीज़ कल आइए। फिर हम वापस गए, खुश भी हो रहा था अंदर से क्योंकि मन नहीं कर रहा था आने का, जाना भी था क्या करें। तो उसके बाद हम दोबारा गए वहाँ पर, फिर हम थोड़ी देर रुके रहे, मैंने दोबारा फॉर्म दिया सिक्योरिटी वाले को, मैंने कहा भैया प्लीज़ चेक कर लीजिए एक बार आई कि नहीं है। वो अंदर ले गया और 5 मिनट के बाद आता है, ये लीजिए आपकी रिपोर्ट, ये आई है नेगेटिव। तो रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, मगर मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप गाइस कोई भी मतलब अगर देख रहा है और आने वाला है दुबई, तो भाई बच के रहिए, क्योंकि सिक्योरिटी वाले आई डोंट नो क्यों झूठ बोला उन्होंने, मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला कि मतलब आज तो आएगी ही नहीं आपकी रिपोर्ट, क्योंकि कंप्यूटर में चढ़ी नहीं, तो प्लीज़ आप कल आके देखिए, इतना मतलब सस्पेंस कर दिया था। तो जब भी आई है तो थोड़ा रुकिए, वेट करिए। सो उसके बाद जो है मैं पहुंच गया दुबई। दुबई आके देखा तो यहाँ पर भी बहुत बुरे हाल, पहले 400-500 केसेस तक आते थे, जब मैं यहाँ पे आया तो 1000 केस एक दिन के। मतलब दुबई इतना छोटा सा स्टेट है, यूएई इतना छोटा सा कंट्री है, तो आप लगा सकते हैं कि 1000 अगर एक दिन में आ रहे हैं दुबई में, जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी नहीं है, मगर 1000 आ रहे हैं, तो मतलब लगा लीजिए कितनी बड़ी बात। तो यहाँ पर भी जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल हो रही थी। तो जब मैं एयरपोर्ट पे आया, मैंने अपना चेकअप कराया, दोबारा से कोरोना का टेस्ट कराया और अगले ही दिन मेरी रिपोर्ट आ गई नेगेटिव दोबारा से। तो उसके बाद मैंने 3-4 दिन हो गए हैं मेरी ड्यूटी ज्वाइन किए हुए और अब बस लगे हुए। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं अभी नाइट शिफ्ट में हूँ, 2-3 साल हो चुके हैं मैं नाइट शिफ्ट नहीं करी है, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। आज मेरा ऑफ है और कल मुझे रात को जाना है। रिशु, व्हाट आर यू ईटिंग, शो मी, क्या खा रहे हो बताओ, पापा को दिखा दो क्या खा रहे हो। वाओ, अच्छा पापा को खिला दो। नम 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 नम। अच्छा रिशु मम मम कर रहा है, रिशु पापा क्या कर रहा है देखो। अच्छा पापा को हाय बोल दो, हाय। ऐसे करो ना, पापा कैसे कर रहे हैं, हाय रिशु हाय। कैमरे की बैटरी लो हो गई है तो इसलिए आईफोन यूज़ कर रहा हूँ मैं अपना। सो खाना मेरा बना हुआ है कल का और जस्ट गरम करना है, साथ में राइस। सो लंच टाइम हो गया, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। रिशु का आपने देख लिया, रिशु तो देखा कितनी बड़ी हो गई है और मस्त आ रही है, बस खा रही है, तानी के साथ है और पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, बच्चों को आपको पता ही है, चॉकलेट वगैरह और पता नहीं क्या क्या। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो कैमरा है मेरा DSLR सोनी A5100 जो कि बहुत ही शानदार है और ये फ्लिप स्क्रीन में अपने आप को मैं देख सकता हूँ, तो ये कैमरा मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है और बहुत अच्छा है। बट अब मैंने सोचा है, अभी सिर्फ सोचा है, कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो मैंने सोचा है कि अब मैं इस कैमरे को बेचने वाला हूँ और इसके बदले शायद मैं दूसरा कैमरा लाऊंगा। फिलहाल इसको मैंने एक साइट में डाल दिया है जहाँ पर सेकंड हैंड फ़ोन बेच सकते हैं आप, तो वहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, देखो कब तक इसका कस्टमर मिलता है और जैसे ही मुझे कस्टमर मिलेगा शायद मैं इसको बेचने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इसको मैंने लिया था 35,000 इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, 35,000 के लिया था, 1-1.5 साल हो चुका है इसको और ऑलमोस्ट नया है। सो लेट्स सी, अगर कोई मिलता है तो भेज दूंगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम से मुझे याद आया कि इंस्टाग्राम का ये मैंने तीसरी बार नाम चेंज किया है, इससे पहले था NDN Vlog, अब आप मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं जो कि है Deepak Vlog। अच्छा भाई कहना तो भूल ही गया मैं, सो खाना खा रहा हूँ मैं बेड में, और बेड में खा लेता हूँ जब आलसी आती है, वैसे मैं नीचे बैठ के खाता हूँ। तो बस तो आपको भी अगर सिल्वर प्ले बटन तक पहुंचना है तो ब्लॉग बनाइए और मेहनत करिए। सो गाइज, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा Indian Vlog। सो खाना वाना खाता हूँ और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे ब्लॉग अब रेगुलर आएंगे, बस जब भी आएंगे देख लीजिएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन। See you in the next video.
बाय।